हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो हम नेगोशिएशन पे कर चुके हैं, हम ये यूनिट थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेगोशिएशन हम कर चुके हैं, नेगोशिएशन की प्रोसेस कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे कि जो कल्चरल डिफरेंस है अक्रॉस नेशन, जो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में है कि कल्चर अमंग कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस अक्रॉस नेशन। तो इसमें क्या आएगा, हॉफस्टेड का कल्चर डायमेंशन है और नेक्स्ट है टॉम्पेनार्स फ्रेमवर्क, ठीक है। हॉफस्टेड के कल्चर डायमेंशंस में है पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, इंडिविजुअलिज्म और मैस्कुलिनिटी, ठीक है। ये आप कर सकते हो, हॉफस्टेड का भी कर सकते हो, टॉम्पेनार्स का भी कर सकते हो। मैं इसमें आपको टॉम्पेनार्स फ्रेमवर्क कराऊंगी, ठीक है, और आप दोनों भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कितने उस पर आ रहे हैं, ठीक है, नंबर पर। तो टॉम्पेनार्स भी इनफ है अगर आप ये करते हो, और बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो टॉम्पेनार्स एक यूरोपियन रिसर्चर था, ठीक है, और जो नोट्स हैं ये आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो ताकि आपकी प्रिपरेशन हो, आपको लिखने के लिए मैटर मिल जाए, ठीक है। और उसके अलावा यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। टॉम्पेनार्स है एक, वो क्या था, यूरोपियन रिसर्चर था जिसने डिस्क्राइब किया था ये, ठीक है। कल्चर डिफरेंसेज यूज, उसने एक 7D मॉडल, जिसको हम 7 इसको हम 7D कल्चर डायमेंशन मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें क्या था, यूनिवर्सलिज्म वर्सेज पर्टिकुलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म वर्सेज कलेक्टिविज्म, स्पेसिफिक वर्सेज डिफ्यूज, न्यूट्रल वर्सेज इफेक्टिव, अचीवमेंट वर्सेज एस्क्रिप्शन, पास्ट वर्सेज प्रेजेंट, इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम 7D कल्चर डायमेंशन भी बोलते हैं। जो फर्स्ट 5 डायमेंशन है वो डील करते हैं कि हाउ अ कल्चर मैनेज टाइम एंड हाउ इट डील्स विद नेचर। ईच डायमेंशन इज कॉन्टिन्यूस और अ रेंज ऑफ कल्चर डिफरेंसेज, ठीक है। जो फर्स्ट 5 है वो डील करते हैं कि कैसे कल्चर मैनेज करता है टाइम को, और हाउ ये नेचर के साथ कैसे डील करता है, और हर एक डायमेंशन कॉन्टिन्यूस है और अ रेंज ऑफ कल्चर डायमेंशन, ठीक है। जैसे इसने बोला है कि जो कल्चर डायमेंशन है फर्स्ट 5 है, रिलेशनशिप विद पीपल, इस टेबल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो फर्स्ट 5 डायमेंशन है वो डील करते हैं हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। द टू फाइनल डायमेंशंस विद डील करते हैं हाउ अ कल्चर मैनेजेस टाइम एंड हाउ इट डील्स विद नेचर, और हर एक डायमेंशन वही कंटिन्यूस और रेंज है। जो रिसर्चर है इसने किसने 28 कंट्रीज से की थी, और जो रिप्रेजेंट कर रही थी 47 नेशनल कल्चर, ठीक है, 1500 मैनेजर्स थे उसमें। तो इसने इन 7D मॉडल से उसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो जो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे, जो यूनिवर्सल वर्सेज पर्टिकुलरिज्म है वो उसमें आता है कि हम रूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म आता है कि हम मोस्टली इंडिविजुअल की तरह एक्ट करते हैं या ग्रुप, ठीक है। स्पेसिफिक वर्सेस डिफ्यूज में आता है कि हाउ एक्सटेंसिवली आर वी इन्वॉल्व विद लाइफ ऑफ अदर पीपल, मतलब हम दूसरे की लाइफ के साथ कितना इन्वॉल्व हैं। न्यूट्रल वर्सेस अफेक्टिव में आता है आर वी फ्री टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस और वी आर रिस्ट्रेंड, मतलब कि क्या हम खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंड है, ठीक है। अचीवमेंट वर्सेज एस्क्रिप्शन क्या है, डू वी अचीव स्टेटस थ्रू एकम्प्लिशमेंट और इज अ पार्ट्स ऑफ अवर सिचुएशन इन लाइफ, ठीक है। और परस्पेक्टिव ऑफ टाइम पे क्या है, सिक्वेंशियल वर्सेज सिंक्रॉनिक क्या है, कि डू वी टेक टास्क इन सिक्वेंस और सेवरल टास्क एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट में कौन सा है, इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल कंट्रोल, कि डू वी कंट्रोल द एनवायरमेंट और डज इट कंट्रोल अस, कि हम एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर हमें, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ पर होता है, तो बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो फर्स्ट पे आते हैं यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म, ठीक है। जो यूनिवर्सलिस्टिक ओरिएंटेशन होते हैं, पीपल बिलीव करते हैं वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे, मतलब वहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ होते हैं, रिलीजन और कल्चर और प्रिंसिपल होते हैं। बेसिक प्रेमिस वहाँ पे क्या होता है कि दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब ये प्रिंसिपल जो आपने एक बार लगा दिए ये सब जगह चलेंगे, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। यूके यूएसए कजार जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनिवर्सलिस्टिक कल्चर करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरिज्म ऑन द अदर हैंड क्या, एक बिलीफ है कि जो डेट सर्कमस्टेंसेज डिक्टेट हाउ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस शुड बी अप्लाई, ठीक है, कि मतलब आपको आइडियाज आए और प्रैक्टिस आए उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रूल्स नहीं है कि आपको ये फॉलो करने हैं, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे कोरिया मेक्सिको नाइजीरिया है वहाँ पे ये पर्टिकुलरिस्टिक कल्चर फॉलो होता है। यूनिवर्सिटी कल्चर में क्या होता है कि फोकस ज़्यादा किस पे होता है, फॉर्मल रूल्स पे होते हैं, रिलेशनशिप पे वो इतना नहीं करता, मतलब अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मानते हैं कि डील ही है, बिजनेस की तरह ही रखो। पर पर्टिकुलरिस्टिक कल्चर में क्या होता है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडिफाई भी हो सकते हैं और एग्जीक्यूट मतलब चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब वो
रूल्स होते हैं वहाँ भी, पर पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं अगर हम फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप में कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वो अगर आप फ्रेंड के साथ भी डील कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ भी कर रहे हो कोई बिजनेस डील, तो वहाँ पे माना जाता है कि भाई डील डील है, पर पर्टिकुलरिस्टिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्सलिस्टिक में होता है, पर पर्टिकुलरिस्टिक में क्या होता है कि आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, रूल्स होते हैं, पर वहाँ पर चेंज हो सकता है, पर यूनिवर्सलिस्टिक में चेंज नहीं होगा, ठीक है। दो मैनेजर प्रैक्टिसेस अंडर यूनिवर्सलिस्टिक कल्चर इंक्लूड फॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस ट्रीटिंग ऑल क्लासेस सिमिलरली, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी क्लासेस सबको सेम माना जाता है, कितने भी मतलब कोई भी चेंज कर सकते हो पब्लिकली, पर पर्टिकुलरिज्म में ऐसा नहीं होता, वो इनफॉर्मल नेटवर्क चलता है और इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन अ सबटल वे, ठीक है। जो कंट्री फॉलो करती है यूनिवर्सल वो कौन सा है, USA, UK, कजहार रिपब्लिक, पर्टिकुलरिज्म में नाइजीरिया, मेक्सिको और साउथ कोरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि राउल रूल बाउंड होता है, ठीक है। बिजनेस डील्स सेक्रोन सेंट होती हैं, ठीक है, मतलब कि उनको माना जाता है कि डील डील ही है, ठीक है। पर यहाँ पे बिजनेस डील फ्लेक्सिबल होती है, अगर कोई सिचुएशन आई तो वो चेंज भी हो सकती है और पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है। और इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बाउंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है वहाँ पे कि वैसे ही रखना है। उसके बाद आता है तो यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म हो गया, कि यूनिवर्सलिज्म में रूल्स एंड रोज होते हैं जो मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर उसमें आप पर्टिकुलरिज्म में कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मतलब ये डायमेंशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है होफस्टेड के वैल्यू डायमेंशन की तरह। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में फोकस किस पे होता है, आई और मी, कि भाई मैं ही हूँ, मैं अपनी ग्रोथ के बारे में सोचूंगा। पर कलेक्टिविस्टिक में क्या होता है कि फोकस किसके ऊपर होता है, ग्रुप पे, जिसमें ग्रुप में क्या हो सकती है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, आपकी कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीवमेंट और रिवॉर्ड होंगे वो ग्रुप बेस्ड ही होंगे। पर इंडिविजुअलिस्टिक में क्या होगा, जो पीपल हैं वो ट्रेंड होंगे फ्रॉम चाइल्डहुड टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब उनको शुरू से ही बताया जाएगा कि आप अकेले हो तो आप इंडिपेंडेंट ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे या कुछ भी। और ईच पर्सन एज्यूम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर सक्सेस और फेलियर, मतलब अगर कुछ कल को फेलियर हुआ या सक्सेस हुआ तो वो उस इंडिविजुअल की ही गलती होगी, या फिर अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो उसका ही होगा। मतलब तो ब्रिंग आउट द फैक्ट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म टू शार्प, मतलब जो इंडिविजुअलिज्म फॉलो करता है वो कजार रिपब्लिक और UK, और कलेक्टिविज्म नाइजीरिया, इंडिया, इजिप्ट, जापान। इंडिविजुअलिज्म में फोकस होता है मी और आई पे, इंडिविजुअल ही डिसीजन मेकिंग होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल ही अचीवमेंट होती है, इसमें सारा ग्रुप में होता है और फोकस वी पे होता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रल वर्सेज अफेक्टिव, इस डायमेंशन में क्या होता है, जो टॉम्प्रनर्स फोकस करता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन डिफरेंट कल्चर, ठीक है। न्यूट्रल कल्चर में क्या होता है, जो टेंडेंसी ऑफ पीपल इज टू कंट्रोल देयर इमोशंस सो दैट इट विल नॉट इंटरफेयर, मतलब न्यूट्रल वाले में क्या रहते हैं, वो लोग इमोशंस पे नहीं ज़्यादा वो करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, मतलब ताकि वो उनकी जजमेंट पे असर ना करें। इन कंट्रास्ट जो अफेक्टिव कल्चर होते हैं वो इंकरेज करते हैं कि यार आप एक्सप्रेस करो कि इमोशंस क्या हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, हंसना है, गेस्चर है, फिर कुछ और मतलब कुछ इमोशनल है, तो आप वो सारे नॉर्मल माने जाते हैं, एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। पर न्यूट्रल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, उनको वो वहाँ पे सोचते हैं कि जो इमोशंस हैं वो बहुत मेस क्रिएट कर देते हैं, तो अचीविंग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब काइंड ऑफ वो ऐसे उसके बाद न्यूट्रल और अफेक्टिव में आते हैं। तो न्यूट्रल का क्या है, स्वीडन रिपब्लिक, तेजहार रिपब्लिक, UK, और फोकस किसके ऊपर, टास्क नॉट ऑन एक्सप्रेसिंग इन्फॉर्म कंट्रोल ओवर इमोशंस, एडमायर्ड फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉइडेड। और इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन एनी सिचुएशन इज एक्सेप्टेड, गेस्टरिंग एंड टचिंग आर कॉमन, ठीक है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे इफेक्टिव में। उसके बाद आता है स्पेसिफिक वर्सेज डिफ्यूज, ठीक है, ये कल्चरल डायमेंशन है, वो फोकस करता है कि हाउ अ कल्चर एम्फेसिस ऑन नोशन ऑफ प्राइवेसी और एक्सेस टू प्राइवेसी, मतलब कितने आप किसी की प्राइवेसी और कितनी उसकी एक्सेस कर सकते हो प्राइवेसी। स्पेसिफिक कल्चर में होता है इंडिविजुअल हैव, उनके पास क्या होता है, लार्ज पब्लिक स्पेस होता है और रिलेटिवली प्राइवेट स्पेस कम होते हैं, बट वाइल द पब्लिक स्पेस इज ओपन प्राइवेट, मतलब पब्लिक स्पेस सबके लिए ओपन होता है, पर जो प्राइवेट स्पेस होता है वो गार्डेड होता है केयरफुली, जैसे ऑफिस और घर हो गया, ठीक है, और सिर्फ शेयर किया जाता है अपने क्लोज फ्रेंड और एसोसिएट के साथ। पर डिफ्यूज कल्चर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन अलाउ नहीं करता पब्लिक और प्राइवेट का। डिफ्यूज में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिस और होम डिवाइडेड नहीं होते, इतना क्लियरली डिफाइन नहीं होता। पर स्पेसिफिक कल्चर में देखो, स्पेसिफिक कल्चर हो गया कि भाई मेरा ऑफिस का अलग है, घर मेरा अलग है। पर डिफ्यूज कल्चर में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि ऑफिस और होम का कुछ ऐसे पर्टिकुलर है ही नहीं, तो वहाँ पे कुछ वो नहीं है, मतलब आप अपने बिजनेस को मैं अपने घर में ही अपना बिजनेस खोल के बैठ सकती हूँ, ताकि कल को कोई भी आए तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पर स्पेसिफिक में ऐसा नहीं होता। तो
ये कंट्रियाँ फॉलो करती हैं जो आप देख रहे हो टेबल पे। और इसमें क्या होता है कि बिजनेस सेपरेट होता है स्पेसिफिक में दूसरों उसकी लाइफ से, प्रिसीजन होता है कम्युनिकेशन में, और प्रिंसिपल मॉरल रीजनिंग होती है। जबकि डिफ्यूज़ में क्या होता है कि जो बिजनेस है वो पर्सनल लाइफ के साथ मिक्स होता है, वो कम्युनिकेशन होती है, और सिचुएशन बेस्ड मॉडल होती है। ठीक है, उसके बाद आता है अचीवमेंट वर्सेस डिस्क्रिप्शन। फोर कर चुके हैं हम, ये फिफ्थ है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ये डायमेंशन है वो डिस्क्राइब करता है कि द मेथड यूज टू एक्वायर स्टेटस। ठीक है, मतलब कि कैसे आप स्टेटस एक्वायर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अचीवमेंट कल्चर में क्या होता है कि इंडिविजुअल इज अगॉर्डेड स्टेटस बेस्ड ऑन हाउ वेल शी परफॉर्म हिज फंक्शन। कि अचीवमेंट वाले में क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टेटस माना जाता है कि कितना अच्छा वो अपने फंक्शंस में परफॉर्म कर रहा है। स्टेटस डिपेंड करता है अचीवमेंट कि उसने क्या कितना अभी तक अचीव किया है। पर डिस्क्रिप्शन कल्चर में क्या होता है, इन विच स्टेटस इज एट्रीब्यूट बेसिस ऑन हु और व्हाट अ पर्सन इज, उसकी एज क्या है, उसके जेंडर क्या है, उसके सोशल कनेक्शन क्या है, वहाँ पर ये माना जाता है। मतलब अचीवमेंट वाले में माना जाता है कि उसने अभी तक क्या अचीव किया है, नो मैटर उसकी क्या जेंडर है, क्या एज है, क्या कुछ भी। पर डिस्क्रिप्शन में क्या माना जाता है कि वो कौन पर्सन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, और उसकी सोशल कनेक्शन क्या है। ठीक है, ये सेम यहाँ पे लिखा हुआ है अचीवमेंट वाले में कि स्टेटस डिपेंड करता है परफॉर्मेंस और एकम्प्लिशमेंट पे, टाइटल्स दिए जाते हैं आर यूज्ड व्हेन रिलेवेंट, मिक्सचर ऑफ एज एंड जेंडर इन मैनेजमेंट। पर इसमें होता है कि स्टेटस डिपेंड ऑन वंस पेडिग्री, दैट टाइटल्स आर इनवेरिएबल यूज्ड, एंड बैकग्राउंड एंड एज आर द मेन क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम डायमेंशन। टाइम ओरिएंटेशन हैज़ टू डायमेंशन। द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ ट्रम्पेनार इज सिंपल टू हॉफस्टेड, देर आर डिफरेंट एम्फेसिस ऑन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो सेकंड रेफर करता है वो सिक्वेंशियल कल्चर के साथ, कि टाइम को माना जाता है एज ए लीनियर एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, जो उसके बाद भी डिवाइड और शेड्यूल हो सकता है। तो जो फॉलोअर है सिक्वेंशियल कल्चर्स के टेंड टू डू ओनली, मतलब जो सिक्वेंशियल होंगे वो क्या करेंगे, एक एक्टिविटी एक ही टाइम पे करेंगे, अपॉइंटमेंट को स्ट्रिक्टली लेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस शो करेंगे अपने प्लान का कि भाई ये है। ठीक है, जो US, मेक्सिको और फ्रांस करता है सिक्वेंशियल कल्चर। पर सिंक्रॉनिक कल्चर में क्या होगा, जैसे पोर्टुगल और इजिप्ट है, टाइम इज व्यूड एज सर्कुलर एंड इंडिविजिबल, कि वो मानते हैं कि टाइम सर्कुलर है और उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल से। ठीक है, तो एक्टिविटी कोई ऐसे शेड्यूल नहीं होती वहाँ पे, वहाँ पे कोई स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम नहीं है, इंडिविजुअल मूव कर सकते हैं इवेंट टू इवेंट, मतलब इस चाहे वो इवेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो पास्ट वाले में आता है कि स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट होती है, पास्ट गाइड ईच एक्शन, एवरी एक चेंज देखा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे। पर यहाँ पे फ्यूचर वाले में क्या माना जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, चेंज किया जाता है कंसिडर नेसेसरी। यहाँ पे स्टेबल में भी बना के आ सकते हो आप, ऊपर वाला भी करके आ सकते हो कि सिक्वेंशियल और पास्ट वाले में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल। जो फाइनल कल्चर डायमेंशन है ट्रम्पेनार्स का, वो रिलेट करता है वन फोकस ऑफ कंट्रोल, कि उसका बिलीफ क्या है अबाउट ही और शी इज़ अ मास्टर ऑफ हिज और, मतलब माना जाता है कि वो खुद की अपनी डेस्टिनी का मास्टर है। ठीक है, वेयर इंडिविजुअल्स, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिलीव करते हैं डेट कंट्रोल हैव ओवर आउटकम्स, दे आर सेड टू बी फॉलोअर्स ऑफ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंस्टेड इफ दे बिलीव डैट दे हैव नो कंट्रोल ओवर आउटकम्स, सच पीपल डीम टू फॉलो द टेनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल। मतलब उनको पता होना चाहिए कि अगर इन्वायरमेंट है कल को क्या कर सकता है। ठीक है, इंटरनल में मैनेजर को ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ता है, डोमिनेट करना पड़ता है नेचर को, और फोकस करना पड़ता है खुद के और सेल्फ ग्रुप पे। पर जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उसमें होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हो आप हर, मतलब वहाँ पे एडजस्टमेंट, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है। मैं कल को किसी कंट्री में कुछ कर, मतलब जॉब करने गई, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेरे को सीखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, एडोप्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये सब है, तो ये पूरा ट्रम्पेनार्स मॉडल है। हैव स्टेट की भी लिख सकते हो आप, ट्रम्पेनार्स भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके उसमें आएंगे जो कल्चर उसमें है। उसके बाद हम करेंगे कि इसके में फैक्टर्स कौन से इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट में कराना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं जब आप नेगोशिएट करते हो अग्रॉस कल्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।